प्रणाम, आपके अपने YouTube चैनल पूर्णिया मिरर पर सभी का स्वागत है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्णिया बिहार का हॉट सीट बन गया है। यहां की लड़ाई इंडिया गठबंधन बनाम NDA की नहीं रही, बल्कि इंडिया गठबंधन में खुद की उम्मीदवारी पर टिक गई है। यहां से वर्तमान JDU सांसद संतोष कुशवाहा खुद को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में ताल ठोक कर पेश कर रहे हैं, जबकि पूर्व सांसद पप्पू यादव ने खुले मन से पूर्णिया से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने खुद को इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार भी बताया है। ऐसे में पूर्णिया सीट की राजनीति दिलचस्प नजर आ रही है। हालांकि पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी अभी तक इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन पप्पू यादव साफ तौर पर खुद को गठबंधन का हिस्सा बता रहे हैं। इधर वर्तमान सांसद संतोष कुशवाहा भी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि पूर्णिया में इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार संतोष कुशवाहा था और रहेगा, किसी भी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। पूर्णिया की राजनीति में सियासी उठा पटक इन दिनों चरमों पर है। यहां वर्तमान सांसद और पूर्व सांसद में उम्मीदवारी को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव लगातार पूर्णिया में जनसभा और कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। दूसरे दलों से निकलकर लोग भी जन अधिकार पार्टी से जुड़ रहे हैं। पप्पू यादव ने जनसभा में पूर्णिया से चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर दिया है। लगातार सम्मेलनों में खुद को इंडिया गठबंधन से अलग नहीं मानने का दावा कर रहे हैं। खुद को गठबंधन का उम्मीदवार भी घोषित कर चुके हैं। पप्पू यादव का दावा है कि देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में वो गठबंधन के साथ हैं और गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। इधर पप्पू यादव के दावे पर मौजूदा सांसद संतोष कुशवाहा ने तंज कसा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि संतोष कुमार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे और रहेंगे, किसी भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। संतोष कुशवाहा ने पप्पू यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोग बंद कमरे में अपने से ही सरकार बना लेते हैं और सरकार गिरा देते हैं, गठबंधन बना लेते हैं और तोड़ देते हैं, यहां तक कि उम्मीदवारी भी तय कर लेते हैं। ऐसे लोग पैसे की लालच में भ्रम फैला रहे हैं। इस भ्रम में ना रहे। पप्पू यादव द्वारा दावेदारी पेश किए जाने की बात पर सांसद ने कहा कि जिसे जो कहना है कहने दीजिए, दो बार पूर्णिया की जनता ने चुनकर भेजा है, तीसरी बार भी पूर्णिया से JDU के उम्मीदवार हम ही होंगे। जनता ने 2014 में मोदी लहर में हमें चुना था। बता दें कि पूर्णिया में साल 2014 और 2019 में JDU के टिकट से संतोष कुशवाहा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। 2024 में भी खुद की दावेदारी मजबूत मान रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव पूर्णिया से तीन बार सांसद रह चुके हैं। 2015 में जन अधिकार पार्टी बनाई, इस बार गठबंधन के उम्मीदवार होने का दावा कर रहे हैं। वहीं पूर्णिया से दो बार सांसद रह चुके उदय सिंह और पप्पू सिंह भी कांग्रेस से टिकट की जुगत में लगे हुए हैं। बता दें कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन में ड्राइविंग सीट पर है। यही वजह है कि पूर्णिया लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन में ही रण क्षेत्र में बदल गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ और नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए पूर्णिया मिरर। जय हिंद, जय बिहार।